समझ रहे हैं, ये बेचारे गरीब लोग लगे हुए दो पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं, तो ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, हर चीज का यहाँ पर मतलब वो होता है। कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, हर आदमी जीएसटी दे रहा है गवर्नमेंट को, दे रहा है नहीं दे रहा, कोई रेस्टोरेंट का नाम उठा के देख लो, एफएसएसआई का लाइसेंस भी लेके बैठा, जो एनओसी होती है उसके अलावा एक दो एनओसी और लेके बैठा, अब कंप्लीट एनओसी 12 एनओसी जो होती है वो गवर्नमेंट ही नहीं देती। अगर आपको इंक्रोचमेंट से कोई दिक्कत है तो आप इंक्रोचमेंट पे ध्यान दीजिए ना, तो सील करने से कोई उसका मसले का हल थोड़ी ना है। आप हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त हम मौजूद है शाहीन बाग के इलाके में, 24 फुट जो एरिया कहलाता है। यहाँ पर 4 बड़े रेस्टोरेंट को बंद हुए हुए तकरीबन 10 से 11 दिन हो चुके हैं और इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं। तो आप इसका अभी तक आप देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट अभी तक खुला नहीं है और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि MCD में जो है MCD वालों ने सील कर दिया है। और सील किस रीज़न के करा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ करता था, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाम लगा देते थे। कोई अगर यहाँ पर लोग खाने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी आते थे। अब कुछ भी यहाँ पर खाने आए, चाहे बाइक से आए चाहे गाड़ी से आए, वो क्या करते थे, रोड पे ही खड़ी कर देते थे। और अगर कोई बाइक से आते हैं तो वो बाइक यहाँ पर रोड पर खड़ी कर देते थे। अब आप सोच सकते हो, अब आप देख सकते हैं कि ये होटल देखिए, जब ये होटल खुलता है तो उसके बाद भी ये 2-3 फुट बाहर निकाल देते थे, ये जो भी अपना सामान है वो 2-3 फुट बाहर निकाल देते हैं, चाहे कुछ भी ये सामान इसका। और जो धुआं वगैरह है वो सारा आप देख सकते हो, यहाँ पर करोड़ों के फ्लैट्स है, इनके ऊपर जाता था यहाँ धुआं। और आप सोच सकते हो, यहाँ इस होटल से अगर 2 फिट बाहर निकाल देंगे, उसके बाद अगर कस्टमर वगैरह आते हैं और यहाँ पर अगर बाइक पार्किंग करते हैं, तो आप सोच सकते हो 24 फुट जो रोड है इसका आप कितना बच सकते हो। और बाकी सारे आप होटल भी आपको दिखाएंगे, दुकान होने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हो सब लोगों ने जो है अपना सामान जो है वो तकरीबन 2-3 फुट बाहर निकाल रखा है। तो कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि जाम होने का। अब आप सोच सकते कि 2 फिट इधर से निकाल दिया लोगों ने, 2-3 फुट इधर निकाल दिया, 2-3 फुट इस साइड से घिर गया। अब इसके बाद बाइक प्लस कारें अगर रोड पर खड़ी होंगी तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये रोड छोटा हो जाता था और काफ़ी जाम लगा करता था। आप क्या कहेंगे इनके बारे में, ये ठीक हुआ या गलत हुआ? ये तो गलत हुआ है जनाब। आपको लगता है कि गलत हुआ या घरों तक इनका धुआं पहुंच रहा है? एक तो जनाब यहाँ पर धुएं की आज तक की कोई कंप्लेंट नहीं है, धुएं की यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। और देखिए यहाँ पर 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे काम चलता है, वो भी रात रात का, कोई पूरे दिन काम नहीं रहता है, कोई रेस्टोरेंट पूरे दिन नहीं खुलता है। ये सारे रेस्टोरेंट शाम को 6 बजे के बाद खुलते हैं और उस सारे शाम को खुलने के बाद फिर सारे दुकानदार यहाँ ध्यान रखते हैं, जाम का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये तो खैर गलत हुआ है कि जो रेस्टोरेंट बड़े बड़े बंद कर दिए गए हैं। अब ये आलम बिरयानी है, इनका कोई बाहर कोई ठे नहीं लगते थे, किसी तरीके का बाहर काउंटर नहीं लगते थे, सबसे पहले शुरुआत उन्हीं की जगह की गई है, उनका सारे ठे अंदर थे, आके MCD वगैरह ने कुछ लोगों ने उसको सील कर दिया। ये कुरैशी कबाब है, इनके ठे बाहर नहीं लगते थे, अंदर थे, इनको भी आके सील कर दिया गया। मार्केट वाले सारे जाम का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जाम की वजह से हम अनाउंसमेंट करते हैं, जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान करते हैं, फौरन अपनी दुकानों के से बाहर आते हैं। ये अनाउंस होता है, एक ये लग रही है बाल्टी उधर आलम बिरयानी पे लग रही है, इधर मस्जिद की तरफ लग रही है, हमने 4-5 बाल्टियाँ लगा रखी हैं, इसी वजह से लगा रखी है कि जो जाम लगता है तो सारे दुकानदारों को कॉल की जाती है कि भाई सारे दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि जाम को क्लियर कराएँ, रोड को 40 फीटे को क्लियर रखें, और सारे दुकानदार इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, रोड को क्लियर कराते हैं। अब माशाल्लाह बहुत दिनों से यह है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर जाम नहीं लगता है, आप किसी भी टाइम आके देख सकते हैं। और आगे हमारी ये कोशिश है कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 गार्ड हम इधर लगा दें, 2-3 इधर लगा दें, बट कुछ हमारे बड़े लोग, हमारे नेता या हमारे प्रशासन जब तक हमारा साथ देंगे तो अच्छे से इंशाल्लाह ये काम होगा। इस पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मार्केट के रोड को 40 फीटे को एकदम क्लियर रखें, और जो ये आगे कूड़ेदान बना हुआ है हमारी ये भी कोशिश है कि उस कूड़ेदान को हम साफ़ करा दें, यहाँ से क्लियर करें एकदम, और दुकानदार माशाल्लाह सफाई सुथरा का ध्यान यहाँ रखते ही हैं, पूरी कोशिश है कि रोड को एकदम क्लियर करा जाए 40 फुट रोड को। बहुत अच्छा कदम है, जिस तरीके भी आप 2-3 घंटे में क्या जाम लगेगा आप बताइए। ये 9 नंबर पे जाम लगता है बाहर, यहाँ से गाड़ियाँ पास होती हैं, क्रिप्स हॉस्पिटल के पास से उतरती हैं, फिर ये 9 नंबर पे आके टच होती हैं गाड़ियाँ, उसकी वजह से यहाँ पर जाम लगता है, और कोई जाम नहीं है, ना यहाँ की कॉलोनी का कोई जाम है ना बाहर का, ये सीधा जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं बदरपुर से आ रही हैं,
वो गाड़ी यहाँ से 9 नंबर को जाके चूती है, उसकी वजह से जाम लगता है यहाँ पर। अब आप समझिए शाम को ही होटल खुलते हैं और शाम को ही दुकानों का काम होता है। एक वजह ये भी है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं नॉन मुस्लिम से भी खाना खाने के लिए आते हैं, ये बिल्कुल आते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर जाम लगा। अब ये देखिए, नहीं गाड़ियों की पार्किंग तो भाई बाहर मेन रोड पर है, गाड़ियों की पार्किंग बाहर मेन रोड पर है, यहाँ कोई पार्किंग नहीं है। और मार्केट वाले इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, जो भी बाइकें आती हैं, कारें तो आती नहीं है, जो भी बाइकें आती हैं उन्हें बाहर लगवाया जाता है मेन रोड पर, जो MCD की पार्किंग है, यहाँ का कुछ नहीं है। सर आप कह रहे हो कि यहाँ पर जाम नहीं लगता, यहाँ पर सर चाहे कुछ भी बनता हो, चाहे हीट की बात हो, आप कहते हो जो ऊपर रेजिडेंशियल एरिया है, जो ऊपर लोग रहते हैं, वो लोग ये शिकायत करते हैं कि इसमें बिल्डिंग में हीट होती है ज़्यादा। अब जनाब यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर रेस्टोरेंट हैं वो खुद मालिक लोग ऊपर रहते हैं, वो क्या कंप्लेंट करेंगे? ये 20 दुकान है भैया, एक सेकंड, यहाँ 20 दुकानें हैं और 20 ही मकान हो, 20 मकानों के मालिक ऊपर रहते हैं। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो वो मकान मालिक क्यों कंप्लेन करेंगे जिनके खुद की नीचे दुकानें हैं? पॉइंट की बात है, आप समझाइए मुझे कि जिसमें दुकानें हैं जितनी भी यहाँ खुली हुई उसमें मालिक खुद रहते हैं ऊपर? सारे तो नहीं होंगे, नहीं सारे ही हैं। अगर आप यहाँ पर आप इंक्वायरी करेंगे या आप सर्वे करेंगे तो उसमें 80-90% मालिक खुद रहते हैं। सर कंप्लेन गई हुई, ऐसे कोई सीन थोड़ी कर सकते। अब जनाब कंप्लेन तो पूरी दिल्ली में चल रही है, अब बताइए कंप्लेन तो जगह जगह पूरी दिल्ली में चल रही है, कैसे बात बनेगी उसकी? अब क्या चाहते हैं सर? अब ये चाहते हैं कि यहाँ होटल वालों का साथ देना चाहिए और जो भी प्रशासन की तरफ से या हमारे जितने भी नेता लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ होटल वालों को मदद होनी चाहिए, या इस तरीके की कोई एक स्कीम होनी चाहिए कि ट्रैफिक यहाँ कम लगे। प्रशासन मदद करें या रेस्टोरेंट वालों की, या हमारे जो नेता लोग हैं वो मदद करें, इस तरीके से आपस में मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी किस्म का कोई जाम नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया। आपने सर्वे की बात करी, हम लोगों ने सर्वे भी किया, यहाँ के लोगों से बातचीत भी करी जी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आना चाहते जी, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि अच्छा हुआ क्योंकि कोई अगर एक शाम भी नहीं आता था तो रोड पर बाइक खड़ी कर देता था, उसके बाद बाइकें खड़ी होती नहीं। हम तो एक दोनों तरफ से रोड गिर जाएगा तो रोड बचेगा कितना? 40 फुट। अब एक बात 40 फुट, अब आप एक बात बताइए 40 दुकानें हैं कहाँ से कहाँ तक, आप मुझे इतना सा बता दिए, आप एक मीटर डालिए दुकानें कितनी हैं, कितने रेस्टोरेंट खुले हुए हैं? 40 फीटा 9 नंबर से और क्रिप्स हॉस्पिटल तक 40 फीटा कहलाता है, आप बात समझ रहे हैं? वहाँ पर हजारों गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, हजारों गमले रख रखे हैं, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? ये बेचारे गरीब लोग लगे हुए हैं, 2 पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं, तो ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, हर चीज़ का यहाँ पर मतलब वो होता है। भैया यहाँ के निवासी वालों के बहुत रास्ते हैं, यहाँ निवासी वाले कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ के इस निवासी के जो लोग हैं उनके नहीं, यहाँ के 40 फुटे के बहुत सारे रास्ते हैं, ये आप जितनी भी गलियाँ देख रहे हैं मेरी राइट साइड में, ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। सर एक वजह ये भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ दिनों पहले आग लगी थी होटलों में, हो सकता है उनकी वजह से भी किसी ने कंप्लेंट। अब जनाब देखिए आग तो लग जाती है, अभी नोएडा में कितनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर आग लगी थी, लाजपत नगर के अंदर कितनी बड़े उसमें हॉस्पिटल में आग लगी थी, मौतें हो गई थी उसमें, ये तो एक हादसे हैं, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। देखिए समझिए आप, मैंने कहा ना ये संयोग नहीं है प्रयोग है, ये क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। जो यहाँ के XML हैं आसिम मोहम्मद खां, खुद उनके रिश्तेदार वहाँ पर वो इलीगल रेस्टोरेंट चल रहा है, चाय पराठा आप जाके देखिए उनके घर के आगे बाहर, वहाँ भी तमाम दुनिया भर के वहाँ ट्रैफिक और सारी चीज़ें रहती है, तो मसले का जो इस हल है उस पर वो बात नहीं कर रहे, मसले का हल इंक्रोचमेंट है उस पर क्या उन्होंने लिख के दिया क्या? उनकी जो बेटी है पार्षद साहिबा, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया MCD को कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, इंक्रोचमेंट तो पूरे वार्ड में है, पूरे ओखला में है, आज तक पूरे वार्ड में एक ड्राइव नहीं चली है, इंक्रोचमेंट के पक्ष में कोई नहीं है, बिल्कुल हटना चाहिए। और अभी ये जो भाई कह रहे हैं ना ये ट्रांसफार्मर से आगे जाओ, आप इस तरह से कब्जा कर रखा है उन्होंने जैसे उनका जाति हो, पूरा का पूरा वहाँ वो लगा के एकदम ड्रम वगैरह और वो लगा के पूरा कब्जा कर रखा है। तो इंक्रोचमेंट हटाने की बात, उसके आड़ में जो खेल हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। वो खुद वहाँ पे इलीगल रेस्टोरेंट चला रहे हैं। मैंने 2-3 बातें जो बताई हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये है, कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जिसके पास GST नंबर नहीं है। हर आदमी GST दे रहा है गवर्नमेंट को, दे रहा है नहीं दे रहा, कोई रेस्टोरेंट का नाम उठा के देख लो, FSSI का लाइसेंस भी लेके बैठा, जो NOC होती है उसके अलावा 1-2 NOC और लेके बैठा, अब कंप्लीट NOC 12 NOC जो होती है वो गवर्नमेंट ही नहीं देती, वो एक अलग डिस्कोर्स है। अब
एमसीडी नहीं देती है क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे 5-स्टार होटल होता है उस लेवल पे जाके मिलती है। अगर इनकी मंशा ये है कि सारी एनओसीज होनी चाहिए होटल वालों के पास, तो उस पर एक ड्राइव चलाए ना ये लोग, यहाँ की पार्षद साहिबा, यहाँ के जो एक्स एमएलए हैं, वो एक ड्राइव चलाएं अगर उनकी मंशा ये है। और अगर इसके बाद ना तो वो इंक्रोचमेंट हटवा रहे हैं, आप देखिए समझिए, इंक्रोचमेंट हटा नहीं, उसके आड़ में खेल ये हो रहा है कि लोगों की रोजी रोटी पे वार हो रहा है, लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, हजारों लाखों लोगों के रोजी रोटी पेट का मामला इससे जुड़ा हुआ है, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों का किराए का मामला होता है, तो ये गलत है। और दूसरा, अगर अनऑथराइज इलीगल की बात करें आप, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, तो सिर्फ ओखला ही थोड़ा ही है या सिर्फ 40 फुटा ही थोड़ा ही है, पूरे दिल्ली में इसी तरह चल रहे हैं। 1800 कॉलोनी आप कहीं चले जाओ, किसी कॉलोनी में लक्ष्मीनगर चले जाओ, जमुना पार चले जाओ, आप बुराड़ी चले जाओ, जहांगीरपुरी चले जाओ, किसी इलाके में चले जाओ, सब जगह ऐसे ही चल रहे हैं। अगर एमसीडी करेगी तो फिर वो पूरे जो एकदम एक पूरा जो पैटर्न होता है गवर्नमेंट का, उस लेवल पे तो नहीं हो रहा है काम। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये संयोग है, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है, ये किया जा रहा है जानबूझ के, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मानसिकता है वो महीना बांधने की है, हफ्ता बांधने की है। और मैंने एक बात आपसे कही है कि जो कंप्लेंट जिस आदमी ने वो की है, वो कंप्लेंट भी मैं आपके सामने बहुत जल्द रखूंगा और जनता के सामने भी, और उसमें आपको ये दिखाऊंगा कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं है, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कंप्लेंट ऐसे होती है, मैं आपको दिखाऊं। इतने इनसे बात करो, मैं दिखा रहा हूँ निकाल के। रेस्टोरेंट 4 रेस्टोरेंट बंद हुए हैं, क्या लगता है ये सही कदम है या गलत? गलत कदम है ये, बिल्कुल ही क्यों लग रहा है आपको? गलत ये कदम है कि अगर आपको इंक्रोचमेंट से कोई दिक्कत है तो आप इंक्रोचमेंट पे ध्यान दीजिए ना, तो सील करने से कोई उसका मसले का हल थोड़ी ना है। आपने सीधा आके सील कर दिया, अगर इंक्रोचमेंट पे कोई ड्राइव चलानी है तो पूरे 40 फुटे के लोग सब आपके साथ हैं और सब हद में भी जाने को तैयार किया भी है, ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों की गाड़ी आके खड़ी हो रही है तो आप जो है सीधा नाम डाल दिया 40 फुट, इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं है दिल्ली में। सर क्या वजह रही है बंद करने की, आप ये भी बता? अब वो तो नेता लोग जानेंगे क्यों वजह हुई है, कि बेचारे किसी का काम है, किसी के पीछे रोजी रोटी जुड़ी है, उसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, अब वो सारे बेघर हो गए बेचारे, तो ये तो गलत है। एक सवाल है, आप एक तो इंक्रोचमेंट से परेशान होते हो जी, फिर आप कहते हो कोई एक्शन नहीं है, तो सारे इंक्रोचमेंट के लिए जी हम तो इंक्रोचमेंट से परेशान होते हैं, ओखला निवासी सारे परेशान होते हैं कि यहाँ पर पार्टी हो चाहे नेता हो, कोई एक्शन नहीं लेता, और जब एक्शन लेते हैं तो आप लोग कहते हो ये गलत हुआ। तो सर एक्शन ले तो सही, लेकिन दुकान सील करने से कोई इसका समस्या का हल थोड़ी ना है। इंक्रोचमेंट कहाँ नहीं है, आप पूरे ओखला में लीजिए, सारे लोग खड़े रहेंगे आपके साथ, आप लीजिए तो सही, लेकिन सील कर दोगे उससे समस्या का हल नहीं है। देखो सीधी सबकी रोजी रोटी छिन रही है, और यहीं कोई नहीं है, आप मेन रोड पे जाइए, आप आगे चले जाइए, सब जगह इंक्रोचमेंट है। आप क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि देखो कोई समस्या का हल हो, तरीके से हो, और ये जो सील वील हो ये रुकना चाहिए, चाहे हमारे नेता साहब भी कोई भी सुन रहे हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी हो। अच्छा आप दोबारा से अगर खोल दिया या रेस्टोरेंट तो क्या फिर से ये इंक्रोचमेंट हटेगा या लगाएंगे? सर ऐसा है, देखो ऐसा है, नेता अगर यहाँ पे आए और बता दें कि आप अपनी हद में रहिए, लेकिन आवाम के बीच में आए तो सही, और अगर सील खोलते हैं तो हिदायत दिया जाएगा, तो कौन कौन नहीं फॉलो करेगा उस चीज़ को, तो लेकिन हर चीज़ का एक तरीके से हल है। आप उसको सील लगा के सीधा बेघरी कर दिया तो उसका सोल्यूशन थोड़ी ना है। अगर होटल खुलता है, अगर रेस्टोरेंट जो है ये खुलते हैं, सर जिम्मेदारी तो सबकी, देखो सब मिलजुल के करने से सबका हल होगा। आने वाले जो कस्टमर है उनको किस तरह से खड़ा किया जाए या बाइक वगैरह कहाँ रखा? सर देखो बाइक जो है एनी टाइम हम लोग मार्केट में एक्टिव रहते हैं, एनी टाइम में उस चीज़ पे हम लोग भी केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जाम कहाँ नहीं है, होटल वाले भी हैं उनको हिदायत दी जाएगी कि अपनी बाइक जो है तरीके से लगाया जाए, होटल पे अगर इंक्रोचमेंट ना करा जाए तो सारा चीज़ का समस्या का हल है। जी जी सर, जी सर।